So, ये मेरा भाई IDBI का डेबिट कार्ड है और इसका भाई पिन जनरेट करने के लिए मेरे पास काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था। बेसिकली भाई प्रॉब्लम क्या है कि IDBI का हर जगह भाई ATM देखने को नहीं मिलेगा, ATM मशीन नहीं मिलता है जिसे हम भाई अपना पिन जनरेट कर सके। सो आप लोगों को ऑनलाइन तरीका बताऊंगा, घर बैठे अपना पिन जनरेट कर सकते हो, सिंपल सा IVR का यूज करके आप अपना भाई पिन जनरेट कर पाओगे। सो कैसे जनरेट करना है आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, अदरवाइज फिर भी अगर कोई इश्यू आता है तो उस प्रॉब्लम का हम भाई सोल्यूशन कैसे निकालेंगे ये भी मैं तरीका बताऊंगा। सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहना। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, आप लोगों को भाई इस नंबर पे फोन कर देना है। नंबर यहाँ पे देख सकते हो 1800-209-43-24 आप लोग ये नंबर है। बेसिकली इस नंबर पे कॉल करना है, IDBI के टोल फ्री नंबर है। उसके बाद कॉल करती आप लोगों से भाई दो तीन ऑप्शन पूछा जाएगा और दो तीन ऑप्शन समझाया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों से पूछा जाएगा ATM पिन बनाने के लिए नंबर भाई प्रेस करिए या टी पिन जनरेट करने के लिए ये नंबर प्रेस करिए। सो सिंपल सा आप लोगों को भाई करना कुछ नहीं है, आप लोगों को भाई ATM पिन बनाना है क्योंकि हम अपने भाई डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करना चाहते हैं। सो डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए 1 यहाँ पे प्रेस करना है। सो बेसिकली सबसे पहले तो ATM का जानकारी चाहिए तो हम 2 प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद 1 प्रेस करेंगे। उसके बाद भाई हमसे पूछा जाएगा हमारा कस्टमर ID, मैंने अपना भाई कस्टमर ID फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आप लोगों से अगर बोलता है कि भाई ये अनुरोध भाई नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे भाई टेक्निकल इश्यू है, तो डायरेक्ट भाई ये कस्टमर को कॉल भाई ट्रांसफर कर देंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे और आप भाई अपने कस्टमर से बात कर सकती हो, डायरेक्ट बात कर सकती हो, उनसे बोल सकती हो कि मैं अपना भाई पिन बनाने की ट्राई कर रहा हूँ और कम से कम 5-6 बार मैंने ट्राई कर लिया, परसों भी ट्राई किया, आज मैंने ट्राई किया। ये मत कहना कि कल ट्राई किया, क्योंकि ये 6 बार ट्राई करने के बाद 5 बार ट्राई करने के बाद ये टेम्परली ब्लॉक कर दिया जाता है कार्ड को, वो 24 घंटे के बाद इनेबल होता है। तो ये बोलना है कि मैंने परसों ट्राई किया था, फिर कल छोड़ के आज मैंने ट्राई किया और इसमें भाई मेरा पिन जनरेट नहीं हो रहा है, वो सोल्यूशन आप लोगों को बता देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, दोबारा वही प्रोसेस करना है, भाई 2 प्रेस करना है, फिर 1 प्रेस करना है, फिर कस्टमर आईडी फिल करना है। कस्टमर आईडी फिल करने के बाद आप लोगों से बोला जाएगा कि अपना कार्ड का 16 डिजिट का जो नंबर है, कार्ड नंबर है, वो इसमें फिल करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने भाई टोटल फिल किया है। नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे बताया जाएगा आपके रजिस्टर नंबर पे OTP आएगा। सो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, OTP आ जाता है, ऐसा नहीं कि OTP नहीं आता है। यहाँ पे देखिए लाइव भाई OTP आ चुका है, अब आप लोगों को यहाँ पे वो OTP फिल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे भाई मैं लाइव ही OTP फिल किया। फिल करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि अपना भाई अपना जो डेबिट कार्ड का न्यू पिन जनरेट करना है वो पिन यहाँ पे डालिए। सो मैंने 4 डिजिट का यहाँ पे पिन डाल दिया। फिर बोलेगा कि अपना न्यू पिन अनुरोध करने के लिए, कंफर्म करने के लिए अपना दोबारा डालिए। सो दोबारा मैंने भाई पिन डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर बोला जाएगा कि सक्सेसफुली आपका पिन जनरेट कर दिया गया है और अपना डेबिट कार्ड एक्टिवेट करने के लिए किसी भी ATM पे जाके एक फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर देना है, इजिली आपका ये ATM वर्किंग पीरियड पे चल जाएगा, मतलब वर्क करना चालू कर देगा, फिर ऑटोमेटिक कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका है। सो इस तरह आप अपना भाई डेबिट कार्ड का भाई पिन जनरेट कर सकते हो, IDBI का भाई अपना पिन जनरेट कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अदरवाइज फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आता है तो आप अपना भाई मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कीजिए और मोबाइल बैंकिंग इजीली बिना कार्ड का एक्टिवेट होता है OTP से वेरीफाई करके। फिर उसके बाद नीचे कार्ड का सेक्शन मिल जाएगा, राइट हैंड में 2nd नंबर पे देखिए कार्ड पे क्लिक करना है, डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है, उसके बाद ग्रीन पिन जनरेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कार्ड का डिटेल, कार्ड का डेबिट कार्ड का नंबर, उसका एक्सपायरी, ये फिल करने के बाद अपना OTP वेरीफाई करके भाई पिन जनरेट कर लेना है। 2 तरीके से आप यहाँ पे अपना भाई पिन जनरेट कर सकते हो घर बैठे, या अदरवाइज आप ATM मशीन पे जाके जनरेट करना चाहो तो ATM मशीन पे जाके अपना पिन जनरेट कर सकते हो। सही सर भाई, आप IDBI डेबिट कार्ड पिन जनरेट कर सकते हो। होप आप लोग जो मैंने डिटेल प्रोवाइड किया सब कुछ समझ में आ चुका है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा भाई IDBI का चेकबुक है, चेकबुक बाद में दिया जाता है। सो बेसिकली इस वीडियो में अनपैकिंग भी कर देते हैं क्योंकि बाद में ये ना हो कि भाई हमें चेकबुक नहीं मिला। सो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे मिलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने भाई ये ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा भाई IDBI का चेकबुक है। इस साइड में IDBI आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी IDBI है और इसको मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। अंदर में कुछ इस तरह का भाई IDBI आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये चेकबुक भाई फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल सेम इसी तरह HDFC में, ICICI में फ्री में देखने को मिल जाता है। जैसे ही ये मेरा भाई चेकबुक ये पूरा खत्म हो जाता है फिर मैं अप्लाई करूंगा तो उसका भाई मेरे से चार्जेस लिया जाएगा। सो बस इस वीडियो में इतना ही, और बाकी ये चेकबुक ऑटोमेटिक आया था, मैंने अप्लाई नहीं किया है। सो आप लोगों को भी आ जाएगा। सो वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।